वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स चैनल सपोर्टेड बाय सच्चिदानंद वैदिक एजुकेशन। और आज हम लोग बात करते हैं 16 और 17 नवंबर 2017 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। सतत विकास के युग में तपेदिक को समाप्त करने के बारे में WHO में एक सम्मेलन हुआ। तपेदिक अर्थात टीबी से ये रिलेटेड बात हो रही है। तो टीबी टिबर जो जिसको हिंदी में तपेदिक बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, इससे लड़ने के लिए जो है यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री JP नड्डा साहब, तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा साहब के द्वारा जो है मास्को रूस गए हैं और उन्होंने एंडिंग टीवी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एरा 2025 तक तापेदिक समाप्त करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। अर्थात ये ऑलरेडी प्रस्तावित था कि हमारे देश में 2025 तक जो है वो टीबी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। और इसी बात को जो है मास्को रूस में जो एक सम्मेलन चल रहा है WHO के द्वारा, वहाँ पर हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो है वो JP नड्डा साहब जाकर के इसी बात को दोहराए हैं अपनी। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे न्यूज़ की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो कब मनाया जाता है, 16 नवंबर को। तो अभी नवंबर के मंथ में काफ़ी सारे दिवस हैं, तो 16 नवंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस अर्थात जिसको बोल सकते हैं टॉलरेंस, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। तो 1995 ईस्वी में इसकी जो है पहल हुई थी इस दिवस को मनाने की। जो किसके द्वारा पहल किया गया था, ये जो है यूनेस्को के द्वारा जो है इसकी पहल की गई थी। और इसका जो थीम जो है वो टुगेदर, ये इसका थीम है। तो अब बात करते हैं हम लोग जिम्बाब्वे सेना के नियंत्रण में सेना ने मुगाबे से सत्ता जो है छीन ली। अर्थात वहाँ जो एक काफ़ी बहुत ही वृद्ध नेता ये मुगाबे साहब हैं, और इनसे जो है जिम्बाब्वे की सेना जो है सत्ता को छीन ली है। तो कहानी ये है कि सत्तारूढ़ जैनू PF पार्टी के उत्कंठा वाली लड़ाई 2 हफ्ते पहले ही शुरू हो गई थी। मतलब ये जो लड़ाई दो हफ्ते पहले ही शुरू हुई थी, जहां पर सबसे वृद्ध जीवित नेता जो कि पूरे विश्व के माने जा सकते हैं, इनकी उम्र लगभग 93 से 94 वर्ष के ये हैं, इन्होंने अपने उपराष्ट्रपति को वहां जो है बर्खास्त कर दिया, जिनका नाम जो है एमर्सन मनंगागवा है। तो इनको जो है बर्खास्त कर दिया मुगाबे साहब ने, और चाहा कि अपनी पत्नी को जो है यहाँ का उत्तराधिकारी बना दें और उनकी जो है सत्ता वैसे ही चलती रहे। तो ऐसा ना हो, लोकतंत्र का बचाव करने के लिए जो वहाँ की सेना जो है उतरी है और उतर करके जो है उनसे सत्ता जो है छीन ली गई है। तो ठीक है, फिर भी तो आगे न्यूज़ की ओर चलते हैं। अब हम लोग राष्ट्रीय न्यूज़, ये तो इंटरनेशनल न्यूज़ की बात थी, तो अब राष्ट्रीय न्यूज़ की बात करें तो उपराष्ट्रपति ने आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। तो उपराष्ट्रपति साहब वेंकैया नायडू साहब हैं, जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो उन्होंने जो है 16 नवंबर 2017 को 15 दिनों के लिए INA दिल्ली हार्ट में यह महोत्सव जो है शुरू हुआ है। इसके लिए उपराष्ट्रपति साहब ने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया। और ये महोत्सव, इस महोत्सव का शीर्षक है क्या है, आदिवासी संस्कृति व्यंजन और व्यापार का उत्सव। तो इस महोत्सव का क्या शीर्षक है, आदिवासी संस्कृति व्यंजन और व्यापार का उत्सव। अध्यक्षता इसकी जो कर रहे हैं वो आदिवासी मामले के मंत्री हैं जुएल ओरांव साहब जो हैं, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। 25 राज्यों के 750 से अधिक आदिवासी कारीगर इसमें भाग ले रहे हैं और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। अच्छी बात है। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। रेल मंत्री ने उत्पादकता जिसको व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया है। ये क्या है भाई, व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम? तो ये क्या है कि रेल में जितने भी कर्मचारी हैं उनमें से एक मैं भी हूँ, तो उन्हें जो है इस परियोजना सक्षम के माध्यम से जो है सभी कर्मचारियों को उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित कौशल और ज्ञान का 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये जो है
हमारे एक पहल है रेलवे मंत्री के द्वारा, जो कि कौन है, गोयल साहब हैं, पीयूष गोयल साहब, जो कोयला मंत्री भी हैं। तो कुछ कुछ बातें हैं यहाँ पर, कॉमन बातें, जिसका जिक्र मैंने नहीं किया। रेल मंत्री लिखा है, इसका मतलब ये है कि हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है, पीयूष गोयल साहब हैं और वो कोयला मंत्री भी है। तो ये छोटी छोटी बातें। अब रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वो दिमाग दिमाग श्री अश्वनी लोहानी, ये जो हैं हमारे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इन्होंने सबको संदेश भेजा है, मतलब जितने भी जोन हैं, जितने भी जीएम्स हैं, सभी को संदेश भेजा है कि आप अपने अपने क्षेत्र में वो अपने अपने कर्मचारियों को कम से कम 1 सप्ताह जो है प्रशिक्षण दीजिए, उनके कार्य कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए। अच्छी एक पहल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। भारत दुनिया का शीर्ष सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जक बना। तो ये जो डाटा है सैटेलाइट के द्वारा जो है एक डाटा प्राप्त किया गया है, जिसमें इंडिया ने चाइना को पीछे कर दिया है। अच्छा चीज़ में तो नहीं, लेकिन बुरा चीज़ में पीछे कर दिया है। तो ये जो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में जो है इंडिया आगे निकल गया है चाइना से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड एक जहरीला वायु प्रदूषक है जो धुंध बनाता है। दिल्ली, आए दिन दिल्ली को देखो, बनारस को हम लोग देख सकते हैं, लखनऊ को देख सकते हैं, ये सभी जो है धुंध की चपेट में काफ़ी दिनों से वहाँ के लोग इससे परेशान थे। और एसिड रेन, जैसा कि जानते हैं हम लोग, एसिड रेन जो होता है, जो हमारी इमारतें हैं उनका क्षरण हो रहा है। प्लस सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स जो परेशानी उत्पन्न होती है एसिड रेन से, वो है जो मिट्टी है उसकी उर्वरता जो है खो जाती है। तो ये सब परेशानी है जो हमारे सामने आने वाला है और आ रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। बिहार सरकार द्वारा स्टेट आयुष सोसाइटी की स्थापना करी गई है, और यह जो है एक वैकल्पिक चिकित्सा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना करी गई। कौन, किस चीज़ की स्थापना की गई? स्टेट आयुष सोसाइटी की। ये क्या है भाई? ये केंद्र सरकार के राष्ट्रीय आयुष मिशन के हिस्से के रूप में बिहार सरकार ने इससे सेपरेटली जो है अपने अपना नाम दिया, स्टेट आयुष सोसाइटी। मिलकर काम करने में लोग जो है ना भागते हैं, अपना नाम तो बताना है कि हाँ भाई स्टेट आयुष सोसाइटी बिहार स्टेट के द्वारा चालू किया गया है, जबकि ये केंद्र सरकार का एक हिस्सा के रूप में स्थापित किया। चलिए ठीक है, फिर भी कुछ काम तो करें, है ना। उसके बाद बात करते हैं RK सिंह, विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री, जो कि स्वतंत्र प्रभार हैं RK सिंह साहब ने, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, मतलब ये एक योजना है सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री का नाम पर है ये। इसके तहत इन्होंने सौभाग्य वेब पोर्टल लॉन्च किया। अब ये क्या भाई सौभाग्य वेब पोर्टल, ये इसमें क्या है कि बिजली के क्षेत्र में विद्युतीकरण जो भी हो रहा है गांव का, शहर का, उसके क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, उसकी क्या डेवलपमेंट हो रही है, इस www.sauhag.com पर हम लोग जाकर के देख सकते हैं, जान सकते हैं। sauhag.gov.in ये इसका साइट है, उस पर जाकर हम लोग इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो कि 16 नवंबर को मनाया जाता है, यह 4 जुलाई 1966 ईस्वी को भारत में प्रारंभ किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये इंटरनेशनल पॉइंट नहीं है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। तो 4 जुलाई 2066 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी, जो कि कार्य जो है अपना प्रारंभ करा था 16 नवंबर 1966 ईस्वी से। तो अब देखिए कि ये अपना विधिवत कार्य उसी समय से जो है 16 नवंबर को से जो है इसे स्थापना दिवस के, किसकी स्थापना, राष्ट्रीय प्रेस दिवस जिसको कह सकते हैं। तो ये किस चीज़ की स्थापना हुई थी? भारत में प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी 16 नवंबर को, तो उसी समय से राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में यहाँ मनाया जाता है। भारत में प्रेस को किस नाम से जाना जाता है? दूसरा नाम है वॉच डॉग, समझ गए, वॉच डॉग। और प्रेस परिषद इंडिया को जो है वो मोरल वॉच डॉग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से थोड़ा सा कट गया है, मोरल वॉच डॉग के नाम से प्रेस परिषद इंडिया को। तो ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। तो भारत वैश्विक साइबर स्पेस सम्मेलन 2017 की मेजबानी करेगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहाँ पर क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब जो हैं इसका उद्घाटन कर रहे हैं। किस चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं भाई? भारत वैश्विक साइबर स्पेस सम्मेलन 2017 की मेजबानी करने जा रहा है, जो कि कहाँ हो रहा है? एरो सिटी दिल्ली में हो रही है।
इसका समापन विदेश मंत्री करेंगे। विदेश मंत्री कौन है भाई? सुषमा स्वराज है, तो आना चाहिए दिमाग में यहाँ भाई, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज है। शुरुआत जो है इसका कब हुआ था साइबर स्पेस सम्मेलन का? तो 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी और थीम्ड ऑन साइबर फॉर ऑल। तो इसका जो है बेसिकली जो थीम जो है साइबर फॉर ऑल, सभी के लिए जो है साइबर, ऐसा इसका थीम है। अब बात करते हैं हम लोग, मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोध प्राधिकरण की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। तो मंत्रिमंडल ने जो है क्या करा है कि राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोध प्राधिकरण की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। अच्छी बात है, जो लोग मुनाफाखोरी कर रहे हैं उन पर अब कुछ तो प्रतिबंध लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जन उपयोगिता की अनेक वस्तुओं की जीएसटी दरों भारी कटौती करने के तुरंत पश्चात जीएसटी के अंतर्गत राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोध प्राधिकरण NAA के अध्यक्ष और तकनीकी सदस्यों के पदों को सृजन के लिए मंजूरी दे दी है। तो ठीक है, जो भी मुनाफाखोरी या फिर जो जीएसटी, यहाँ पर ये मुद्दा ये है कि जीएसटी में जो भी वस्तुओं का रेट कम हुआ है वो जनता तक पहुँचना चाहिए, उसके लिए इसका स्थापना किया गया है, ताकि जनता को अब फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है उसकी जांच हो, ये सभी चीज़ को जो है देखने और जनता तक पहुंचाने के लिए कि यहाँ पे जीएसटी में इतनी इतना हैवी, बहुत सारी चीज़ों में जो है जीएसटी काफ़ी कटौती हुआ है, तो ये सभी चीज़ जो है जनता तक पहुंचनी चाहिए। तो इसके लिए इसका जो है स्थापना किया गया है मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण की। तो अभी देखिए इसमें बहुत सारा चीज और भी बनेगा और लागू होगा जिससे रोका जा सके मुनाफाखोरी। अब बात करते हैं हम लोग 12वें पूर्वोत्तर व्यवसाय सम्मेलन का, जो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। ये पूर्वोत्तर राज्य हम लोग जानते हैं, तो वो उसके व्यवसाय सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में, इसका उसका उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारोबार के अवसर का पता लगाना। तो जाइए, हम लोग जो भी कारोबारी हैं वो उस क्षेत्र में भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो भी हमारे देश में वो उसका डेवलपमेंट थोड़ा कम हुआ है पूर्वोत्तर क्षेत्र का। तो इसके लिए है उसका उद्देश्य है कि वहाँ पर भी लोग अपना व्यापार को बढ़ाएं, बढ़ा कर के वहाँ के क्षेत्र को भी बहुत तरीके की सुख सुविधा जो है मिल सके। इसके आयोजनकर्ता जो है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC और मणिपुर स्टेट पार्टनर रहे हैं इसके साथ में। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। झारखंड में राष्ट्रपति ने 3,455 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की है। तो भाई 3,455, तो कौन सा चीज था झारखंड में भाई जिस जो 3,400? तो ये था 15 नवंबर को झारखंड दिवस के अवसर पर, बिना कोई दिवस, जब तक कोई दिवस रहेगा नहीं, जब तक कोई स्पेशल ओकेजन नहीं रहेगा तब तक तो फंड आने से रहा। तो यहाँ पर एक स्पेशल ओकेजन ये है कि 15 नवंबर को जो है झारखंड दिवस, जो कि 2000 ईस्वी को 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना हुई थी। और इस 15 नवंबर ही क्यों, 15 नवंबर ही क्यों? तो 15 नवंबर इसलिए क्योंकि बिरसा मुंडा जयंती भी 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो झारखंड को अलग राज्य की मान्यता भी लोगों ने चाहा कि 15 नवंबर को ही डेट को कंसाइड किया गया। अच्छी बात है। तो ये 336 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में जो है राष्ट्रपति ने अनुमोदित किया है, जिस जहां पर जो है 68 लाख परिवारों में से 57 लाख परिवारों को इससे लाभ होगा। 2 लाख तक उपचार के लिए राशि मिल सकती है। 290 करोड़ की 108 एम्बुलेंस सेवा प्रदान करी जाएगी। आय दुगनी करने के में जो है मदद के लिए 1,500 करोड़ रुपये आदिवासियों पर खर्च करा जाएगा। तो ये थोड़ा मतलब थिंकेबल पॉइंट है कि 1,500 करोड़ रुपये आदिवासी के आय दुगनी, अब कैसे आय दुगनी करेंगे? उसके लिए कुछ ना कुछ तो योजना बताना था, ये तो यहाँ पर सिर्फ फंड बता रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। तो न्यायिक ढांचा सुधार पर कैबिनेट ने 3,320 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। न्यायिक ढांचा जो कि पूरी तरीके से कछुए की चाल से हमारे देश में चलता है,
एक हत्या करने वाला, एक बलात्कारी डंके की चोट पे इधर उधर घूम रहा है हमारे देश में। तो जो हमारा न्यायिक ढांचा जो है उसको उसमें से सुधार तो सबसे पहले करना चाहिए। तो यहाँ पर एक पहल हुई है जहाँ पर 3,320 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी मिली है 31 मार्च 2020 तक जो है। इसको 12वीं पंचवर्षीय योजना के परे रखा गया है ताकि जल्दी से जल्दी इसमें कुछ सुधार हो सके और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी और लीगल रिफॉर्म्स के माध्यम से एक मिशन फंड में लागू किया जाएगा। तो एक मिशन है, तो इस अगर इम्प्लीमेंट हो जाए जल्द से जल्द तो बहुत अच्छा हमारे देश के लिए। लेकिन नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बात करते हैं, तो खेल जगत की बात करते हैं। तो लिएंडर पेस जो कि भारत के हैं, पूरब राजा ये भी भारत के हैं, नॉक्सविल चैलेंजर खिताब इन्होंने मिलकर, ये युगल हैं ठीक है, मतलब कम जो खेल खेलते हैं। तो इन्होंने कौन सा खिताब जीता है, तो नॉक्सविल चैलेंजर खिताब। ये लॉन्ग टेनिस के प्लेयर हैं लिएंडर पेस और पूरब राजा। और नेक्स्ट न्यूज की ओर चले तो आर्थिक दृष्टिकोण की ओर बढ़े, तो केंद्र ने सभी प्रकार के दालों से निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। ये क्यों हटाया गया है कि यहाँ पर के जो किसान हैं खुल कर के जो है दलहन की खेती करें और अपना जो दलहन है उसे देश के बाहर आसानी से भेज सकें और इससे काफ़ी मुनाफा कमा सकें। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चले तो टोयोटा किर्लोस्कर ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन MOU साइन करा है जिसमें राज्य में बिजली पर वाहनों की शुरुआत की जाएगी। ये भी एक अच्छी पहल है आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ पुरस्कार के सेक्शन में चले तो कनाडा 2017 के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य स्थल है। तो आप कहीं जाना चाहते हैं तो कनाडा जा सकते हैं घूमने के लिए, वहाँ का पर्यटन स्थल के लिए, और भी जो भी सुविधाएं प्रदान करी जा रही है वहाँ के सरकार के द्वारा, वहाँ के उस देश के द्वारा अपने जो है जो घूमने जाते हैं वहाँ पे, मतलब एक गंतव्य, मतलब जहाँ हम लोग जा सकते हैं बिना सबसे कम परेशानी झेलते हुए। तो ये सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ जो है देश जो है वो कनाडा है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया के, ने एक एक उपलब्धि हासिल करी है। ये इंडोनेशिया के केविन लिलियान मिस इंटरनेशनल बनी है। तो मिस इंटरनेशनल जो है कौन बन गई है, इंडोनेशिया की केविन लिलियान मिस इंटरनेशनल बन गई है। जापान के टोक्यो डोम सिटी हॉल में आयोजित इस समारोह में इंडोनेशिया को पहला मिस इंटरनेशनल खिताब मिला। अच्छी बात है। तो आगे के दिनों में हम बताएंगे कि मिस इंडिया भी बनी है हमारे हमारे देश की, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। तो फॉर इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस लॉट रिगार्डिंग दिस। अब बात करते हैं हम लोग निधन के। तो हिंदी कवि कुंवर नारायण का निधन हो गया है। ये कौन थे भाई, ये हमारे हिंदी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे, ये कवि थे। और इन 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 इनका जो है निधन हो गया है 2009 में। इन्होंने पद्म भूषण प्राप्त करा था और ये जो है फैजाबाद जो कि यूपी में है वहाँ के रहने वाले थे। इनकी पहली पुस्तक चक्रव्यूह जो कि 1956 ईस्वी में संपादित हुई थी। एक और निधन हुआ है, पूर्व सांसद अब्दुल मनन हुसैन का निधन हुआ है। ये मुर्शिदाबाद ऐसे सांसद रहे थे और कांग्रेस में पहले थे, अभी तृणमूल में ज्वाइन कर लिए थे, तो इनका भी निधन हो गया है। तो चलिए इसी प्रकार से अब इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। गुड बाय।